इस वक्त साहिबाबाद विधानसभा के इंदिरापुरम गुरुद्वारे पर हूँ, और गुरुद्वारे पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, ऑक्सीजन लेवल लोगों का गिरता जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जो क्रिटिकल हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो देख सकते हैं गुरुद्वारे में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और उनको ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। और लगातार सिख समुदाय के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी पीछे नहीं हैं। पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा की बात की जाए तो पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा, जो कि साहिबाबाद विधानसभा से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और सेवा यानी कि मानव सेवा का को ध्यान में रखते हुए देखिए, कोरिया से मंगवाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए मंगवाए गए हैं। पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने खुद मंगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जीवन बचना चाहिए। जीवन हम देने वाले तो कोई नहीं है, ईश्वर है, लेकिन हम किसी की अगर सांसें बचा सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं, तो देखिए आप ये जो मशीनें हैं ये मंगवाई गई है, जो कि कोरियन है, कोरिया से मंगवाई गई है। और ये पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने जनता की सेवा के लिए यानी कि उनका जो जन भाव है, जन सेवा है, उसके लिए मंगाई है। तो आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक दूजे की सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं, कोई कम नहीं है। देखिए आप ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, आपको इंदिरापुरम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और लगातार जो लोग जिनका ऑक्सीजन कम होता जा रहा था या जो लोग क्रिटिकल हैं वो लोग आ रहे हैं, जान बचाने की कोशिश, एक जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कई अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे हैं, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और काफ़ी जगहों पर बेड अवेलेबल नहीं है। तो सिख समुदाय यानी कि सरदारों की जो गुरुद्वारे हैं, इंदिरापुरम गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ, इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में पड़ता है, 24 घंटे यहाँ पर कार्य किया जा रहा है ऑक्सीजन देने का। जो लोग दूर दराज से भी आ रहे हैं, किसी के लिए भी मना ही नहीं है, और न जाति न धर्म न कौम को देखे बिना, ये देखिए आप, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि जान बचाने की जो जद्दोजहद है उसमें लोग लगे हुए हैं। देखिए आप ये नलकियाँ लगा रखी हैं, ये सेटिंग पूरी की है, प्रॉपर की हुई है, और सामने कुर्सियाँ, बेड और ये पलंग लगाए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से मरीजों की जान बचाई जा सके।